आज मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इफ़ स्टेटमेंट उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। आइए देखते हैं। फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट लीजिए, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट है। इस एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं इफ़ कंडीशन। ओके कर दीजिए। ये हमारे सामने फॉर्म आ गया है। टूल बॉक्स में से एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। बटन पर डबल क्लिक कर दीजिए और टेक्स्ट बॉक्स पर भी। बटन का हम प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट चेंज करते हैं शो कलर। इस फॉर्म इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने लेटर दिया होगा उसके हिसाब से ये जो प्रोग्राम है हमारा वो इस फॉर्म का कलर चेंज कर देगा। बटन पर डबल क्लिक करते हैं। ये आपको इसके कोड में ले आया। क्लिक इवेंट में यहाँ हम लिखेंगे इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आर। अगर टेक्स्ट बॉक्स में आर लिखा हुआ है तो ये क्या करें, मी मतलब ये जो फॉर्म है, मी डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड। टेक्स्ट बॉक्स 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। प्रोग्राम को रन करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में जब हम आर लिखेंगे और बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है आर। बटन पर क्लिक करते हैं, ये फॉर्म का बटन रेड हो गया। अब हमें एक और कंडीशन लगानी है, उसके लिए हम लिखेंगे एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जी, देन क्या करें, ये लाइन कॉपी कर लें। डॉट कलर डॉट ग्रीन। इसी तरह एक और कंडीशन लगा लेते हैं, और यहाँ ये चेक कराते हैं बी। बी लिखने पर क्या करेगा, कलर डॉट कलर ब्लू हो जाना चाहिए। आर लिखने पर रेड, जी लिखने पर ग्रीन और बी लिखने पर ब्लू हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आर, जो कि कैप्स में होने चाहिए सारे लेटर, रेड। जी लिखने पर ग्रीन और बी लिखें तो ब्लू। अब अगर इन ऊपर की तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हमें क्या चाहिए, हमें ब्लैक कलर चाहिए।
यहाँ हम लिखेंगे ओनली एल्स, कलर डॉट ब्लैक, कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही ऊपर की तो ब्लैक हमें कलर चाहिए। एप्लीकेशन को रन करते हैं, यहाँ मैंने लिखा आर रेड, बी ब्लू, और अगर आर जी और बी के अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जे लिख दिया, तो अब इसको ब्लैक कलर शो करना चाहिए। या अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ब्लैक कलर। तो ये हमने इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने कंडीशन पर काम किया, और ये थी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। शुक्रिया।